बच्चों, उत्पादन के लिए जितनी ज़रूरत कच्चे माल की होती है, उतनी ही ज़रूरत उत्पादन के अन्य साधनों की भी होती है, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी या साहस। अगर हम भूमि की बात करें तो देखते हैं रायपुर शहर में भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया है। बच्चों, आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व रायपुर के बाहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर कृषि भूमि हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कृषि भूमि का यह क्षेत्रफल कम होता गया और खेती की ज़मीन की जगह बड़े बड़े व्यवसायिक परिसर, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और रिहायशी कॉलोनियाँ बन गई। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ होगा? रायपुर शहर में उद्योगों के विकास के साथ साथ यहाँ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी और रोजगार की तलाश में न केवल रायपुर के बाहर यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के, बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे, जिससे शहर में जनसंख्या का दबाव काफ़ी बढ़ गया, रिहायशी भूमि की कमी होने लगी और धीरे धीरे खेती की ज़मीन का प्रयोग भी रिहायशी कॉलोनियों के रूप में किया जाने लगा। शहर के बाहरी क्षेत्रों में बहुत सारे संयंत्रों की स्थापना की गई है। इसी तरह रायपुर शहर की भूमि का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कार्यालयों के लिए भी उपयोग किया गया है। नया रायपुर में भूमि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रयोग किया गया है। रायपुर शहर की भूमि का एक बड़ा भाग अस्पतालों के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया गया है। पुराना रायपुर में एम्स का निर्माण किया गया है, उसी तरह नए रायपुर में सत्य साई संजीवनी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां छोटे बच्चों के हृदय रोग से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज होता है। शहर की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जैस्तम चौक के पास नए पार्किंग स्थल का भी निर्माण किया गया है। रायपुर शहर के लोगों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कई सिनेमाघरों और पार्क का निर्माण भी किया गया है। शहर की भूमि का एक बड़ा हिस्सा शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भी उपयोग किया गया है। बच्चों, किसी भी उत्पादन में श्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात अगर हम रायपुर शहर की करें तो हम देखते हैं कि यहाँ लगातार स्कूल भवन, अस्पताल या सरकारी कार्यालयों का निर्माण होता रहता है। इन निर्माणी कार्यों में सहयोग देने के लिए गांव से कई लोग रायपुर आते हैं। वैसे तो गांव के लोगों का मुख्य काम खेती करना होता है, लेकिन क्योंकि साल भर खेती नहीं की जा सकती, इसलिए जब खेती नहीं होती है तो वे निर्माणी कार्य में सहयोग देने के लिए शहर की ओर आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य श्रमिक भी होते हैं जो बढ़ई के रूप में कार्य करते हैं या प्लम्बर के रूप में काम करते हैं। कई श्रमिक बिजली मिस्त्री के रूप में भी काम करते हैं। इनमें से वे श्रमिक जो इन कार्यों में दक्ष होते हैं कुशल श्रमिक होते हैं, और कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो कुशल श्रमिक के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। कुशल श्रमिकों की मजदूरी अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होती है। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर काम करते हैं। ऐसे मजदूर रोज अपने घरों से निकलकर एक स्थान पर एकत्र होते हैं। इन स्थानों को चावड़ी कहते हैं। रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। बात अगर हम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति की करें तो हम देखते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी मजदूरी उनको काम मिलने पर निर्भर करती है, और जो मासिक मजदूरी के आधार पर काम करते हैं उनकी मजदूरी निश्चित तो होती है लेकिन उनकी नौकरी स्थायी नहीं रहती है।